नमस्कार, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में आपका स्वागत है। आइटम वाइज बिल ऑफ क्वांटिटीज BOQ सेलर। पहले BOQ आधारित बिड प्रक्रिया के साथ केवल कुल आइटम वाइज इवैल्यूएशन उपलब्ध था। BOQ बिड निर्माण प्रक्रिया के दौरान अब खरीदार के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं: कुल आइटम वाइज इवैल्यूएशन, वस्तुवार मूल्यांकन, ग्रुप वाइज इवैल्यूएशन। खरीदार को सभी प्रकार के बिड मूल्यांकन मोड के लिए बिड एस्टिमेटेड वैल्यू निर्दिष्ट करना होगा। 5 लाख रुपए से कम मूल्य की BOQ बिड बनाना प्रतिबंधित है। आइटम वाइज इवैल्यूएशन के मामले में खरीदार को प्रत्येक अनुसूची के लिए बिड एस्टिमेटेड वैल्यू निर्दिष्ट करना होगा और ग्रुप वाइज इवैल्यूएशन के लिए प्रत्येक समूह के लिए बिड अनुमानित मूल्य को अपडेट करने की आवश्यकता है। खरीदार BOQ शीर्षक निर्दिष्ट कर सकता है ताकि बिड प्रकाशित होने के बाद इसे आसानी से खोजा जा सके। क्रेता RA पोस्ट टेक्निकल इवैल्यूएशन के लिए बिड लेने का विकल्प भी चुन सकता है। gem.gov.in खोलें और लॉग इन पर क्लिक करें। यूजर ID कैप्चा टेक्स्ट दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। अपना पासवर्ड दर्ज करें और आगे बढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। बिड्स की सूची से उस बिड का चयन करें जिसमें आप भाग लेना चाहते हैं। शीर्षक द्वारा BOQ बिड खोजने के लिए यहां क्लिक करें। BOQ शीर्षक का चयन करें, बिड समाप्ति तिथि का उल्लेख करें और खोज पर क्लिक करें। बिड में भाग लेने के लिए यहां क्लिक करें। भाग लेने के लिए यहां क्लिक करें। सेव करने के लिए यहां क्लिक करें। भाग लेने के लिए यहां क्लिक करें। सेव करने के लिए यहां क्लिक करें। जारी रखने के लिए यहां क्लिक करें। ऑफर मूल्य दर्ज करें और नियमित बिड भागीदारी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ें। जारी रखने के लिए यहां क्लिक करें। BOQ स्पेसिफिकेशन और सहायक दस्तावेज का कंप्लायंस नमूना। BOQ स्पेसिफिकेशन, वित्तीय दस्तावेज और अन्य सहायक दस्तावेज अपलोड करें और सेव। विक्रेता द्वारा अपलोड किए जाने वाले वित्तीय और अन्य दस्तावेज। भाग लेने और वेरीफाई करने के लिए OTP दर्ज करें। स्थिति अब भाग लिया है। धन्यवाद।